पूर्व क्रिकेटर विनोद कंबाली ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने उनके खाते से 1,00,000 से ज़्यादा की रकम पार कर ली है और जिसकी शिकायत विनोद ने स्थानीय बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। और अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनके खाते से एक KYC अपडेट के करने के नाम पर 1,14,000 रुपये का चूना लगा है। कबाली का कहना है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, फ़ोन करने वाले ने खुद तो उनके बैंक का अफसर बताया था और उसने कहा कि ये एक लिंक भेज रहा हूँ जिस पर क्लिक करके आप अपने घर बैठे अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। और साथ ही उसने उनके बैंक के कुछ डिटेल मांगी और जैसे ही कमाली ने जानकारी दी और लिंक पर क्लिक किया उसके खाते से रुपए पार हो गए। ये घटना जो है 3 दिसंबर की बताई जा रही है। बांद्रा पुलिस में शिकायत के बाद अब साइबर सेल ने आरोपी को पकड़ लिया है और क्रिकेटर के पैसे वापस करवा दिए हैं। अपने पैसे वापस मिलने पर विनोद कमाली ने बांद्रा पुलिस को शुक्रिया कहा है और वही क्रिकेटर ने जनता से अपील की है किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा कर किसी लिंक का और को क्लिक ना करें और किसी से अपने बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर ना करें। विनोद कंबाली देश के जाने माने क्रिकेटर हैं और उनकी जोड़ी सचिन तेंदुलकर के साथ जमती थी। विनोद ने टीम इंडिया में रहते हुए भी 17 टेस्ट और 104 वनडे मुकाबले खेले हैं। उनके नाम से सभी तेज 1,000 रन बनाए और का रिकॉर्ड दर्ज किया है। सचिन और कंबाली बचपन के दोस्त भी हैं और दोनों ने स्कूल के दौर में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था और श्राद्ध आश्रम स्कूल के टीम से खेलते हुए दोनों ने 664 रनों की पार्टनरशिप भी निभाई थी और विनोद कंबाली ने तब नॉट आउट रहते हुए 349 रन पर अपनी टीम के लिए जोड़ा था। तो इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द पंचायत के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर ले, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।